मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। ना ढूंढ मेरा किरदार दुनियाओं की भीड़ में, ऐ दोस्त, वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फायदा करते हैं जिंदगी में। अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की। गरीबी ही होती है जिसके आंचल में सब एक साथ सो जाते थे। अमीरी आने पर तो सबको अलग मकान चाहिए। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। समुद्र सा विश्वास मिले तो कुछ बूंदों को क्या रोना, मन का सैम बना रहे तो क्या चांदी क्या सोना। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं। आपसे सब खुश हों, जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता है, न किसी की नजरों में न किसी के कदमों में। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। समाज के डर से फैसले जमत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। जीत हटने से नहीं ढटने से मिलेगी। हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम अपने दम पर बहुत कुछ करना जानते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी न भूल पाओगे। बढ़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बढ़ा किया है। दोस्तों, उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहां दो कोढ़िये लोग आपके हैसियत के गुण गाते हों। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। वही सफल होता है जो कर्म पर विश्वास करता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रख कर चलने में होती है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं। अगर जायदा हो जाए तो कायरता कहलाता है। यदि आप दिलचस्प जीवन नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। आप उदास है तो आप अतीत में जी रहे हैं। आप चिंतित है तो भविष्य में जी रहे हैं। आप शांति में है तो वर्तमान में जी रहे हैं। एक कदम सफलता की ओर। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है
जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यह कहने की कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं मुकाम, कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हों, मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे वो खामोशी होती है। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से तक जुड़ा रहता है तभी खिलता है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान टेढ़े तरीके से देता है। तारीफ किए बिना कोई खुश होता नहीं, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत देंगे, वे आपको उतना ही तकलीफ देंगे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है। फिर चाहे वो धन हो या खुशी, मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम नजर। और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना ये महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है, समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है।